डाइजेशन कहलाता है। अब हम मेनली जो भी फूड कंपोनेंट खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है। जो ग्लूकोज क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर है और हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पहुंचाने के लिए एक कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट है वो पाया जाता है, जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं। तो ये ब्लड में सॉल्युबल होता है। फिर प्रोटीन सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो अमीनो एसिड बनाता है, और फैट जब सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो वो फैटी एसिड बनाता है। अब ये डाइजेशन हमारे शरीर में एक ही ऑर्गन नहीं करते हैं। इस डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जिसको क्या होता है, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कलेक्टिवली हम लोग इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो सबसे पहले बकर कैविटी। हम लोगों ने तीन हार्ट ट्रंक को छोड़ दिया है, और इसलिए छोड़ दिया है कि उसको कलेक्टिवली बकर कैविटी कहा जाता है। अगर फिर पढ़ना हो तो इस बकर कैविटी का के दो पार्ट होते हैं, जिसमें आपके तीन आ जाएंगे और टंग आ जाएंगे, लेकिन बकर कैविटी उसको कलेक्टिवली कहा जाता है। फिर बकर कैविटी ओएसोफैगस की एक ऑर्गन है, फिर स्टोमक है, लीवर है, पैंक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स अभी के डेट में सीजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी यूज नहीं है। ये पहले के समय में जब जनरली ह्यूमन बींग थे वो कच्चे सब्सटेंस को खाते थे, उस समय सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इस ऑर्गन का यूज किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते गया, चला गया, होते चला गया, और ये पहले साइज में भी बढ़े होते थे, लेकिन अब कोई कच्चे सब्सटेंस खाते नहीं है। इस वजह से इसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होते होते ये इसका कोई फंक्शन ही हमारे शरीर में नहीं बच गया, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, ह्यूमन बींग का ही वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये सारे जो है वो ऑर्गन है, एक ऑर्गन मिलकर और ऑर्गन सिस्टम बनाता है, जो नाइन्थ से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कहां पे खाना जाता है और
कार्बोहाइड्रेट का तो माइक्रोज में कन्वर्ट करता है। कभी कभी हम फील करते हैं जब रोटी के टुकड़े को खाया जाता है उसको काफी देर तक चीन या ब्रेड करे तो उसमें स्वीटनेस आ जाती है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो माइक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फूड जो है मक्खन कैविटी में जब स्टार्च का पार्शियल डाइजेशन होता है उसके बाद फूड ओएसोफैगस में आता है। ओएसोफैगस में कोई भी ग्लैंड नहीं होते हैं और ना ही इससे कोई एंजाइम का सेक्रेशन होता है, इसलिए ओएसोफैगस में डाइजेशन नहीं होते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और ये मस्कुलर होते हैं। जब भी मक्खन कैविटी से फूड मॉलिक्यूल जो है नीचे की तरफ आता है तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओएसोफैगस जब फूड मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है फूड मटेरियल का या ओएसोफैगस का, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ओएसोफैगस में कोई भी ग्लैंड नहीं पाए जाने के कारण यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद फूड पार्टिकल जो है वो हमारे स्टमक में आता है। स्टमक लाइनिंग में एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। इससे जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उसको गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस में तीन तरह के केमिकल्स होते हैं जिसको पेप्सिन, म्यूकस और HCl, ये तीन तरह के सब्सटेंस रिलीज होते हैं। अब इस तीनों का फंक्शन क्या है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है, हम लोग जनरली कहीं पे नीटनेस या क्लीननेस के लिए एसिड का यूज करते हैं। जस्ट उसी तरह हमारे शरीर में अगर फूड मॉलिक्यूल के साथ कोई जर्म्स इंटर कर जाता है तो उसको किल करने के लिए एसिड जो है वो हमारे शरीर को हेल्प करता है। लेकिन फिर ये पेप्सिन जो है एक HCl का एक फंक्शन होता है कि जर्म्स को मारता है, दूसरा और भी फंक्शन है कि हमारा जो पेप्सिन है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से ही रिलीज हुआ है वो पेप्सिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है। लेकिन उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए उसको कुछ क्राइटेरिया की जरूरत होती है। अब वो क्राइटेरिया क्या है? तो उसको वो बोलता है कि हम तभी प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे जब हमको एसिडिक मीडियम मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो उस प्रोटीन को ये एसिडिक या फूड मटेरियल को एसिडिक बनाने का काम किसका है? फिर HCl अपना वहां पर फंक्शन करता है कि वो फूड मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाता है। अब जैसे ही फूड मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाएगा तब पेप्सिन जो है वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। पेप्सिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एक और सब्सटेंस होता है गैस्ट्रिक जूस में जिसको म्यूकस बोलते हैं। अब ज्यादा एसिड हमारे लिए हार्मफुल है, पहले से भी हम लोग जानते हैं कि एसिड हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, लेकिन अब खुद ही हमारा बॉडी उसको रिलीज कर रहा है तो उससे स्टमक लाइनिंग को कोई इफेक्ट ना पड़े, हार्म ना हो, इससे वो म्यूकस हमारे स्टमक लाइनिंग को बचाता है। यहाँ पे पार्शियली ग्लूकोज का, पार्शियली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद लीवर से एक जूस का सिक्रेशन होता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस जो है वो क्या करता है? स्टमक में ही फैट को कम्प्लीट
स्ट्रक्चर होता है जो अंदर की तरफ रखा हुआ होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलय कहा जाता है। विलय क्या करता है? विलय का फंक्शन होता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। ये विलय जो है वो ब्लड कैपिलरी से कनेक्टेड होता है। डाइजेस्टेड फूड को ब्लड कैपिलरी के थ्रू पूरे शरीर में पहुंचाने का काम फिर ब्लड करता है।